हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीएसटीसी वर्सेस बीएड का जो विवाद है वो अभी तक चल रहा है। अभी इसमें बहुत कुछ दाव पेच बाकी है, ठीक है। और किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये सब अलग बातें हैं। फिलहाल ये मुद्दा रनिंग है, लेकिन क्या संभावना है, उन संभावनाओं पर हम 5 मिनट तक बकवास कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको जैसा आप समझ में आए कि सही बातें हैं, बकवास है, जो भी है, 5 मिनट आप अपना कीमती समय खराब कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। दोस्तों, बीएसटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला है, इसमें अगर हम पीछे मुड़ के देखें, क्योंकि लेवल वन में सिर्फ और सिर्फ L1 जो बीएसटीसी वाले हैं वही उसके हकदार हैं, थे और रहेंगे, ठीक है। और लेवल टू में जो हमारे बड़े भाई हैं बीएड वाले, वो लेवल टू फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी जो भी फला डिमका ग्रेड है, उन सब में वो बाजी मारते हैं, मारेंगे। लेकिन जहां तक सच्चाई की बात है, वो जीतेगी, क्योंकि कुछ बीएड वालों से अगर बात करते हैं, उनको ये कहो कि दिल पे हाथ रख के कहो, तो वो खुद यही कहते हैं कि यार सही तो यही है कि बीएड को वो मौका नहीं मिलना चाहिए। और इतना सा सेंस तो हाईकोर्ट के जो जज हैं वो भी रखते होंगे, ठीक है, वो बात अलग है, जो फैसला होगा वो ठीक है, जो भी है। लेकिन मैं बीएड वालों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यार तुम्हें L1 में बैठना है तो फिर काहे 4 साल खराब किए, काहे लाखों रुपए खराब किए, तो फिर 12वीं के बाद ही कर लेते ना बीएसटीसी। बेटा तुम बहुत बुरे फंस चुके हो, बहुत बुरे, तुम दौड़ चुके हो बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरी ग्रेविटी से बाहर निकल चुके हो तुम, अब तुम्हें वापस धरती पे आना है, बहुत ऊंचा उड़ लिए तुम, अब गए तुम काम से, अब तुम चाहे केस लड़ो चाहे मत लड़ो, L1 में तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाँ, जमीन पे रह के बात करते हैं ना, तो ठीक है, तुम चाहे चुस्लम को चूसो, चाहे किसी को भी चूसो, तुम चाहे 5,000 इकट्ठा करो, जो सच है वो आपको खुद को पता है, तुम काहे भटक रहे हो, तुम खुद पे ध्यान दो, तुम्हारी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी है उन पे ध्यान दो, ये तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये जो राजनीति का खेल है ना, एक शब्द है नेता, कभी बैठ के इसकी व्याख्या करो, तुम यार पढ़े लिखे लोग हो, अच्छा है जो भी चल रहा है, जरूरी है ऐसे लोगों का भी होना, कौन बात ना। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार हम कोर्ट में चल जाएंगे, हम जीत जाएंगे, ये वो, अभी बकचोदी खूब कमेंट में होगी, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा ये भी सोच लीजिए ना, जब इतना दिमाग खराब कर ही रहे हो तो ये भी कर लो थोड़ा सा कि ये क्या नाती का बाड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये नाती का बाड़ा ही तो है, बिल्कुल नाती का बाड़ा। अभी कुछ समय पहले चर्चा भी रहा था, ठीक है, सरकार भी नाती के बाड़े की है, तो तुम क्या कर लोगे, कछु ना कर पाओगे तुम, ठीक है। तो बिल्कुल आप बीएसटीसी वाले निश्चिंत रहें, संगठित रहें, धैर्य बनाए रखें, अपने सामर्थ्य का जहां जरूरत हो वहां परिचय दें, और थोड़ा सा हौसला भी काफी है, ठीक है, एक चिंगारी काफी है आग लगाने के लिए। बाकी जो सत्य है वो कभी पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं कुछ नहीं कह सकता, आप खुद देख लीजिए कि क्या होगा, बिल्कुल निश्चित जीत निश्चित है तुम्हारी, तुम जीतोगे, ये बिल्कुल नाती के बाड़ा तुम्हारे साथ है, चाहे सरकार तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, कुछ नहीं, बस फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी से बाहर निकल चुके हैं, अब ये आपा खो चुके हैं, क्योंकि भटका हुआ आदमी बहुत फड़फड़ाता है, मजा लो इस चीज का यार। बिल्कुल धन्यवाद, डीके स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बिना सब्सक्राइब किए भी आप हमारे वीडियो देख सकते हो, कष्ट के लिए हमें खेद है, धन्यवाद।